तो राम के लिए खेड हवे। अरे मैं नू कहूं थोड़ी नरम सी निगाह कर लिए करूंगी। अरे राम के लिए मैं नू कहूं प्रधानी लड़ रहा हूं, अगर तुझे लड़ना हो तो तुझे लड़ा दूंगा। ना तू ही बन ले प्रधान, मुझे ना प्रधान बनने की जरूरत। अगर मैं प्रधान बन गया तो तेरी मौज कर दूंगा। चमन तू लड़ लिया प्रधान ने, तू अपना काम कर ले जा। ठीक है भाई, यू करवा देगा मुझे मौज, मौज करवा दूंगा तेरी। यू के चाह रहा तो सोच रहा प्रधान बन के यू क्या माल है। जब लौट के आएगी ना इसे छोड़ नहीं। शर्म ले आज, आंखों में है थोड़ी गणी ना है। मुझे तो बतेरी शर्म आवे, तू पूरी रात थांटती फिरे, रेता बेचती फिरे, मुझे तो बहुत शर्म आवे भाभी। चांदनी जी अंकल, मैं अंकल जी अभी आई, पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई। अच्छा ताला लग गया जी अंकल जी। आ यहाँ क्यों खड़ी, आ घर चल। सुमित कैसा प्रधान बनवा दिया तुमने? पता ही ना कैसा बन गया, ठीक सही ना यहाँ करूँ कभी नहीं पहुँचता मुझके पास। फिर क्या सुनना होगी मेरे जा रहा है कहीं? बढ़िया सही लग रहा है। हाँ आ जाओ भाई नरेंद्र, आ जाओ। आ गए भाई। चांदनी बैठ बैठ। और तुम की और सुनो? बस ठीक ठाक भाई, बढ़िया। बस मैं जा रहा था निंगे किसी को, ये राम के लिए की छोरी खड़ी थी वहाँ से घर आ गया, वहाँ कहीं जा रही थी नूंगे तिंगे। हाँ पर फिर भी मगा चल, तू इतना वहाँ यहाँ खड़ी रहेगी वहीं बैठी है, कहीं बुग्गी वग्गी बन जा रही होगी। नहीं अंकल जी, मम्मी ने बलद बेच दिया। अच्छा बलद बेच दिया। बस नरेंद्र परमात्मा दो दिन आगे पीछे सुने सब। हाँ सुना तो है। अरे दर्शन, अरे चा लिया दो चार कप। बस नरेंद्र धर्मपाल को 20 साल हो गए मेरे, पर उसकी बहू ने राम के लीना गांव में वो काम करके दिखा दिया जो किसी के बस के। हिम्मत बहुत कर रही बाबा, हमारी चाची जैसी तो होनी मुश्किल ही है। देख भाई नरेंद्र, बिल्कुल तो बिछड़ी नहीं अपने काम पे, सारा ध्यान रखे अपने काम पे, और पढ़ाली का के छोरी बना दी मास्टर ने। सुनो ये है हिम्मत कह रहा हूँ मारती हूँ। अंकल जी वो आ रही मम्मी, मम्मी इधर आना। अच्छा अच्छा बैठे ना, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राम के लिए, राम के लिए कहाँ घूम रही है छोरी? वहाँ खड़ी थी, फिर मैं यहाँ बुला लिया, मैं चल वहाँ बैठूंगी, यहाँ खड़ी के लिए। बच्चे घूम घूम कुछ ना रे, वो पहला तो बलद मन्ना बेच दिया। अच्छा अच्छा टक्कर मारा था वो, अब दूसरा देख रहे हो, लगेगी तो ताल सी लूंगी बलद। काम तो करना ही है जी। हाँ काम तो करना ही पड़ेगा, पर मैं नुकू केक रही तू बलद ले गया बुग्गी ना चलाऊं क्या? अब छोरी की तो लगी है नौकरी, मैं ठल्ली बैठी क्या करूंगी? परमात्मा ने चौकी सुन ली, छोरी की नौकरी लगी, इब क्यों खामे खाम बुग्गी दिखाऊं अंडे अपना घरू लौट आराम ते। मेरा जीना लगने का घरों लौटी वाई का तब पता ही है, मैं तो ठल्ली बैठूंगी तो मैं तो बीमार हो जाऊंगी। प्रधान जी तुम बताओ कोई बड़द भी करा हो तो थारी नजर में? बड़द तो है मरे वाले गंगाराम के, पर नु पता नहीं देख ना देता, पूछ दूंगा। पूछ के बताओ तुम मुझे। बड़ा जय दसू के बहुत बढ़िया, 5,000 रुपए मांग दिया। हाँ देख लिया वो बलद भी मन्ना, वो हल्के मतलब कही है। अच्छा। बुग्गी में नहीं हिल रहा वो बलद, वो तो मार देगा मुझे ठोड़। राम के लिए मैं एक बात कह रहा, छोटी शरीर आड़ को गांव में कईयू का प्रधानी में ठुनकू जी कर रहा, तू खड़ी हो जा इनका शरीर करा बैठ जाएगा। क्यों जी बस तुम मुझे नुई खा कमा लेन दो, मैं इस प्रधानी से दूर ही ठीक हूँ, मेरी सारी प्रधानी बस बुग्गी में ही है, अपनी बुग्गी चलाऊं और अपना माँ बेटी दोनों गुजारा कर लें बस, यही बढ़िया मुझे तो। राम के लिए तू डरा ना, वोट मिलेगी बतेरी। अजी चमन सिंह का जी कर रहा था मुझे ही बना दो प्रधान। चमन तो मैं नहीं बैठे अपने को प्रधान। अच्छा उस चमन सिंह का भी जी कर रहा? जी रात को कई पलोटू की नींद भर के सोए वो, एक दिन तो सिकटरी को नूबी पूछ रहा था मेरे बारे में, कोई प्रधान तेरा भी बनवा दे कुछ। हाँ थोड़े पानी मान रहा तुझे। अच्छा रे चमन लाल का भी जी कर रहा? और राम का ले राम का ना, हम तेरी गैल है। अजी वो तो बात ठीक है, तुम मेरी गैल हो पर पैसे भी तो बहुत लगे हैं चुनाव में।
दो चाय दो। नरेंद्र ले। तुम पियो, मैं ना पीती हूँ चाय। मेरे को दिक्कत सी चल रही है, छोरे को दे दो चाय। ले ले बेटा। अंकल जी नमस्ते, अब हम चलते हैं। ठीक है। बस तुम मुझे बड़ा दिशा दिवा दो, एक ध्यान सा रखो, बड़ा कहीं मिले तो। चलो ठीक है। आजा चमन, आजा बैठ। और सुना चमनलाल, ठीक भी है? अजी सब ठीक है, मगर नू बताओ, यू राम के लिए क्या लेने आई थी? क्या लेने गई थी? तो बड़ा दिशा देखती अंडे थी, वह छोरी को मिली, आप आंख मार ली बैठ के। एक बात बताऊं प्रधान जी, यू राम के लिए नू ही नाती, इसके पर तो मैं गिनना जानू, बहुत चलती चीज है। चमनलाल, मैं तुझे खूब जानू, अपना मर्ज बता। भाई हमारी मर्ज कुछ ना है, हम तो नू आए थारे दौरे, तू ना हमें प्रधान बना दो। प्रधान तो बिना पड़ा तू। अच्छा, और शब्द काम को प्यारा, तू प्रधान हो गया तो ठीक है, मैं चलता हूँ जी। राम राम। ठीक है, ध्यान रखना जी। बस ध्यान पूरा रखेंगे। ठीक है चमनलाल। ए छोरी, कहाँ तेरी माँ? अंकल जी मम्मी राम का नाम ले रही। राम का नाम बाद में ले लेगी, पहले अपनी माँ को बुला, कोई काम है मुझे जरूरी। अंकल जी मम्मी को तो अभी आधा घंटा लगेगा। अंकल जी क्या हो गया, बात तो बताओ। ओ छोरी, अपनी माँ से न्यू कह दिए प्रधान बनने की टाल कर दे, नहीं उसे प्रधानी ऐसी बना दूंगा वो याद करेगी जिंदगी में, समझे? सुन छोरी, तेरी माँ को उस प्रधान द्वारे बैठी ना देख लूं, नहीं मुझसे बुरा कोई ना होगा। तेरी माँ भी जाने यह बात और मैं भी, और मैं कोई बात सुना लूं, बता दिए अपनी माँ को। हाँ मम्मी। वो अंकल आया, और तुम्हें पूछ रहा। बैठ के बता मुझे क्या बात है, बैठ को। हाँ बता क्या कह रहा था। वो अंकल नो बोल रहे थे कि प्रधान बनने की टाल करेगी, अनित मुझसे बुरा कोई नहीं होने का। उसके बाप की सरकार चल रही है, जो प्रधानी को हमें नाय कर रहा, जब तो मैं खड़ी होती ना होती प्रधानी में, अब जरूर खड़ी होंगी मैं इलेक्शन में, अब जरूर टिकट भरूंगी मैं। नू है तो नू ही सही, इसने जीना हराम कर दिया। और मम्मी पता अंकल क्या बोल रहा था, कि प्रधान के घर में देख न लूं, अनि मुझसे बुरा कोई नहीं होने का, और कोई काम छोड़ देगी ना छोड़ देगी, ये बात और बोल के गया था। प्रधान के घर न जावे, हम बेइज्जती करवाते फिर रहे हैं किसी के घर जाके। अरे मैं तो लिगड़ी जा रही हूँ, उन्होंने आवाज मान ली, मैं चली गई, कौन सा बुरा कर दिया मैंने। जब वो आया तो मुझे उठा देती भजन पे बैठी, तो कोई बात नहीं मैं सुनाती हूँ उसे। और अब तू एक काम कर, इसके घर जाना लाग के, और इससे क्या कहा कि मेरी मम्मी कल ही भरेगी टिकट प्रधानी का। ना मम्मी ऐसा मत कर, मैं तो दिमाग लग गई बिल्कुल ही, इन्नी दो रोटी खानी भारी कर रखी है, इन्नी जन्म दुखी कर दिया मारा था, अब तू जा रही है ना जा रही? ना मम्मी रहने दे, क्यों बात को बढ़ा रहे हो। मैं अभी जा रही हूँ, अभी क्या कहूंगी प्रधान से, अब भरवाएगा मेरा टिकट। और सुना बस शिवराज, ठीक भी? ठीक हुआ मैं तो। हाँ मैंने सुना फॉर्म भरने चल दू, हो गए भाई? भाई यू अंडे है यू, हो गए ना शुरू। प्रधान जी हम कहा पाचा पत्ती खबर तो मैं रहे, जो भी कोई भरेगा तो मैं तो पहले सूचना भी देगा, सुन सुलाट तो पूरा हो जाएगा। आप में एक डब तो देखो कौन कौन आवे, बता लू। राम राम जी। आजा राम के लिए, आजा राम राम, आजा बैठ। भाई चमन का फार्म तो है पक्का, जिकर और का भी सुन यार मैं कहीं का। अच्छा अच्छा, पर वो थरे वाले का भी तो कर रहे दिखे जी सा। पर दान जी उसकी तो आदत है काम में टांग डांड की, कैंक उठे उसकी के मैं तो पत्ती जानो तुम उठे तो अरबी रे वो ना उसे तो बटवाओ उसकी टांग। और को तरह हम करी तू बज, तुम कह रहे थे प्रधान निकली हो, तुम मेरा ही भरवा दो टिकट। तो नाट्य थी उस दिन, बस उस दिन नाट्य थी, अब दिमाग सा खराब हो गया, बस तुम भरवाओ फार्म प्रधान का। मैंने कह रहा मगा कितनी राड़ गले में गले प्रधान जी में रहन देती, तो राड़ गले में गलेगी तो तुम तो खड़े रहोगे मेरी बराबर में, ये भैया खड़े रहोगे मेरी बराबर में, कुलदीप खड़ा रहोगा, खड़े तो हो जाएंगे फिर। पर यू फिर तेरे कुंडे का चमन भर रहा, तू पर करोगी? चमन की वजह से ही तो मैं खड़ी हो रही हूँ,
उसी की पैज है बस मुझे। अच्छा देख लिए? बस देख लिया, सोच लिया, समझ लिया, चाहे मैं मरूं या जीऊं पर अब मैं प्रधान नहीं लड़ूंगी जरूर। घर में कुछ झाड़ू लग जा, चुनाव तो लड़े प्रधान जी का। जी प्रधान जी, चाहे मेरी रहने की भी ठेक बिक जाओगी, बिक जान दो। रामकली तो जब भी रेत बेच के गुजारा कर रही है, जब भी आ रहे या पा रहे बस अब का। अच्छा हाँ चल ठीक है। कैसी लगी बात? जीवित नहीं छूक है तो आने तो मैदान में। हाँ और तुम गेल खड़ी? नहीं भाई गेल तो मैं भी खड़े होना पड़ेगा। गेल है प्रधान जी, चिंता ना करो तू। देख कुलदीप बिल्कुल जी जानता गेल खड़े। देख उन्हीं सच्ची हाँ भरियो तो उनसे भरेगा भाई। अगली ने इवलो रेत बेचा और प्रधान जी को जी कर प्रधान जी तो भर लेने दो। हम बिल्कुल जी जानते हैं गल खड़ी। और प्रधान जी मैं आपसे हाथ जोड़ कर कह रही हूँ, अगर मैं मर भी जाऊँ ना, मेरी बेटी को इस चमनलाल के भरोसे मत छोड़ दियो, मेरी बेटी के पैर पैर दियो। मैं आपसे हाथ जोड़ कर कह रही हूँ। राम के लिए रोवे ना, ऊपरला सब ठीक करेगा। कोई किसी के भरोसे नहीं होता। चमन सिंह होगा अपने घर का होगा, तू बेफिक्र रहो, चुनाव लड़ हम तेरी गैर, पर दुखी ना होकर चुप हो जा। ठीक है प्रधान जी मैं चलो। राम राम। बेफिक्र होगा जा, राम राम। डरिए नर गैल है तेरी। देखी वे राम के लिए सारा जीवन काट रही, वे ऊना भर रही फार्म, किसी ना किसी दर्द में भर रही। वो चमन सिंह इतना निकम्मा है, तुम जानते नहीं सर, एक नंबर का नाला है किसी से। उन्हें कहा है ऐसा कुछ? कहने उस लेते थे। हाँ नहीं कहा, उन्हें दर्द में भर रही है फार्म नहीं करे। देखिए फिर एक बात है, जी जानती गेल रहे हैं। रहेंगे जी वहाँ भरी अगली की तो गेल रहेंगे। मम्मी कह रही प्रधान जी कहाँ गए? प्रधान जी के वहाँ यू रही, तड़के टिकट भरने चलना प्रधान जी का। और कही यही मैं प्रधान से भी गैल चलेंगे वे मेरी। आ रहे या पा रहे बस अब तो। मम्मी तुम चिंता मत करो, जितने भी पैसे लगे मैं लगाऊंगी, तुम चुनाव लड़ो। सुन रहे चमन? हाँ भैया बता। फार्म भरेगा भी फिर बैठ जाएगा, मेरी बेइज्जती करवाओगा। चिंता मत मान, फार्म जरूर भरूंगा। हाँ फिर कद भरेगा? भाई मंगलवार को भरूंगा पर्चा। भरी लिए तो मंगलवार को, सोमवार को राम के लिए भी जा भरना फार्म। हैं? राम के लिए भर रही है फार्म? हाँ। क्यों कर भाई? प्रधान भरवा रहा। अच्छा भाई, प्रधान का बहुत ठाडा सपोर्ट है, छाती ठोक के कहेगी तब पर्चा भरूं। अच्छा भैया प्रधान भी देखेंगे और राम के लिए भी देखेंगे हम। ओ भाई तुम्हारी ढब रही है, राम के लिए तो फार्म भरना मैं सिखाऊंगा, उसके सारे नखरे ढीले ना कर दिए तो। मेरा नाम चमन लाल है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ और हाँ सुन मेरी बात, तू बेफिक्र रहे, आज इस राम के लिए का नखरा ढीला करना मुझे हर कीमत पे। ठीक है ढीला ही करके आइए। हाँ आज मैं भरवाऊंगा इसका टिकट, मैं बनाऊंगा इसे प्रधान नहीं। हाँ चुनाव तो मुझे अभी लड़ना ही है, और इसे चमन को बता दू कैसे चुनाव लड़ा जा, राजेंद्र को बुलाऊ। भाई चांदनी ऐसा फोन देगी मुझे लेके, क्या इन ऊती मगाई की पैड वाला दे दिए, उतना टच वाले मेरे पास चल रहे हैं भला। अब लिखाड़ू इसमें से नंबर कैसे लिखेगा। कहाँ गया राजेंद्र? राजेंद्र मिल गया। हेलो अमोशी। हाँ बेटा अमोशी। राम राम। राम राम बेटा, राम राम जी, तारा बना रहे। मैं कह रही हूँ राजेंद्र। हाँ बेटा मैं चुनाव में खड़ी हो रही हूँ। अच्छा और तू आजा मेरे द्वारा यहाँ। ठीक है अमोशी। हाँ आजा तू, आज ही आजा। आज ही आ रहा हूँ अमोशी। ठीक है बेटा। ठीक है अमोशी। राम राम। राम राम बेटा। प्रधान बहुत लंबी छलांग मार रहा है। मंदाल छलांग लंबी मारा करे प्रधान, अगर यू नाली सफा करवा देता ना अपनी प्रधानी में तो इतनी लंबी छलांग न मारनी पड़ती। हाँ चमनलाल तेरा जी कर दिखा लंबी छलांग मारन को। जैसे प्रधान तू सारी योजना ना पी गया, मैं ऐसा ना करूं, मैं बढ़िया काम करके दिखाऊंगा बढ़िया काम। हाँ काम तो तू करे ही बढ़िया है सारे। अगर प्रधान मैं एक बार प्रधान बन गया, थारी सबकी ना रेल बना दी तो हमारा भी नाम चमनलाल। ठीक है बना लिए रेल बना लिए। प्रधान जी, प्रधान जी। हाँ कौन? मैं रामकली।
रामकली तू क्या बात हुई? मेरी बुग्गी पकड़ी गई जी। बुग्गी पकड़ी गई तेरी? मेरी बुग्गी छुटवा के लाओ। देख रामकली, अगर गलत काम करेगी तो नूही पकड़ी जाएगी। अजी मैं तारा आगे हाथ जोड़ू तो मैं चलना पड़ेगा मेरी गैल। अरे रामकली, एक बार प्रधान से तो पूछ लेती कि बुग्गी चलाऊं या ना चलाऊं। अजी तुम क्या हो गए, तो बुग्गी चला लूंगे ना ही करोगे तो ना चलाने की, पर अब तुम मेरी गैल चलो। भाई जो गलत काम करे ना, मैं उसकी गैल तो बिल्कुल भी नहीं जाता, चाहे तू बुरी मान या भली मान राम। अजी प्रधान जी, तुम जैसा क्या होगा मैं वैसे ही करूंगी। अजी मैं थारे पांव पकड़ू। ना ना, पैर मत पकड़, पैर मत पकड़। ना 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 ना, पैर मत पकड़, पैर मत पकड़। ना 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 ना, ये मैं क्या देख रहा हूँ? देख भाई देव, यू है मेरी मौसी का घर और यू लड़ रही है चुनाव, और तुझे चुनाव में मदद करनी है, हैं? और मैं तो करूँगा ही। ठीक है, ना मौसी, राम राम। राम राम बेटा, राम राम। अरे मैं तो फोन करते ही रुका ही ना गया मेरे पे, और तू समस्या बता दे बस की। अब बस चुनाव लड़ने की कह रही हूँ, यू छोरा कौन है? अरे यू, यू तो बहुत ऊंची चीज है, यू चुनाव एक्सपर्ट है, चुनाव एक्सपर्ट। चुनाव को न्यू पलट दे, न्यू आदमी की टांग उम्र से बढ़ के और जमीन खींच ले। ठीक है बेटा, तू बैठ और मैं थाने चाय बनाऊ। अरे ना, चाय वाय भी तो बाद में देखेंगे, इतने तू चाय बनाओगी, इधर हम गांव को राउंड मारिया में देखे के प्रोग्राम चल रहा। आवे जमूरे, चल बस। चल अब राजेंद्र आ गए, मेरी टेंशन आधी खत्म हो जाएगी। अब ढोलिया वाली भाई, एक मैं तो इनसे भी दुखी हूँ। मेरी बुग्गी तो बाहर खड़ी रहे और ये ले अपनी ट्रॉली अंदर खड़ी कर जा, रामकली का सब फायदा उठावे। अरे वोट मिल रही तेरी? हाँ बन रही। तो वोट किसी देगा? हम तो चमन की डबे उसी वोट देंगे। चमन की तरफ देगा वोट? वोट दी रामकली को। जमुरे पकड़, अब बता वोट किसे देगा? और वोट किसे देगा? किसे देगा वोट? हम तो चमन को ही देंगे। चमन को देगा? चमन को देगा? चमन वोट रामकली को देगा? वोट रामकली को देगा? वोट देगा नहीं, चमन को देंगे। चमन को देगा? अच्छा ठाके ले चले होंगे कुछ ना, अब कैसे रामकली को देगा? रामकली को दे देंगे जी। बस बेटा, रामकली को दे दिए वोट, चले। भाई वोट किसे दोगे? मारा सारा कुनबा है रामकली की डब। वाह बहुत बढ़िया, अब खुला खेल लो। हाँ भाई, अबे जमूरे ये तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, पूरा गांव खाली सही हो रहा। रुक जा रहा एक आदमी, भाग। अरे रुक जा, रुक जा, इधर रुक ही ना रहा। जा यार रुक जा, रुक जा ना, रुक जा। हाँ भाई बोल बोल, क्या बात है? हाँ भाई रंगीले, वोट किसे देगा? अरे मैं खुद कैंडिडेट हूँ भाई। खुद कैंडिडेट और का? चलिए। अरे मैंने जा रहा भाई। अरे क्या बात है भाई? कुछ जरूरी बात है। बात बता, बात क्या है? अरे 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 भैया, अरे क्या बात है भाई? चल तो बेहतर, चल। अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो भैया, ऐसी जगह छोड़। अरे छोड़, वोट अरे तुम कौन हो? देख अरे वोट फोड़ दो बाहर में, छोड़ दो मुझे, मुझे ना लगा तोड़ दिया, ऐसे मार दिया भैया, अब नाला से लड़ू भैया। प्रधान जी के ढब है कुछ ना, सब ठीक। अजी वोट किसे दोगे? रामकली को देंगे। अजी बहुत बढ़िया, ठीक है तो रामकली को देंगे, ठीक है, सही चल रहा माहौल। बढ़िया चल रहा काम। भैया वोट किसे दे रहे हो? वोट रामकली को देंगे भाई। भाई बहुत बढ़िया, हाँ जिताऊंगे। अरे मौसी अब लिया चाय, हम सारे गांव में घूम आए और राउंड मार आए, सब ठीक ठाक है, कईयों को हादसा फेर आए, अब ठीक ही रहेगा चुनाव। जो मुंह से काट है ना, हमने उनके मुंह पीट दिए। ले चाय लेता हूँ। ले भाई पी जमूरे, चल लड़ाई झगड़ा ना करे, सब हो जाओगा। कर दिया हमने सिस्टम।
पर राजेंद्र मैं तो ना ऐसे ही कर रही थी, जो हमारा गांव का पुराना प्रधान है ना, यूं कह लगा नो रामकली तू चुनाव लड़ ले प्रधानी का, नो मैंने तो भाई उससे भी मना ही कर दी थी, मगे ना मैं ना हूँ खड़ी प्रधानी में। फिर एक दिन कुछ ऐसी बात सी होगी, वह मेरे जी पर घना ही जोर सा पड़ा, मैंने ठाल ली भाई अब तो प्रधानी में खड़ा होना ही है, अब बेटा तू इस काम को संभाल ले, तेरी मौसी जीत जाओगी तो फिर अपना बल्ले बल्ले हो जाएगा। अरे हम गांव में राउंड मारी आए, सब ठीक ठाक सा, जो से मुँह से काट है उन्हें हमने समझा दिया, और एक तो घना ही रंगीला सा आदमी है वो कुछ ज्यादा सा बोल रहा, उसे भी हमने ढंग में समझा दिया, कोई दिक्कत ना, चुनाव फिट रहेगा, मौसी तो जीतती पड़ी है और हम राउंड मारते रहेंगे, ऐसे थोड़ा ही ना, बेफिक्र हो गए लड़ तू, जो जमू रहा है ना इसका तो जवाब ही नहीं है, तो यूँ चीज है इसे तो पता नहीं किच्छू मानो, भाई इसकी बात ही कुछ और है, ये तो सिस्टम बदल दे। लो वाली चांदनी भी नमस्ते नमस्ते, ए तेरा स्कूल ठीक चल रहा है, कोई भी परेशानी की बात हो तो ट्रांसफर यहीं करा दूंगा, सिस्टम है अपना यहाँ। मेरी ड्यूटी तो सही चल रही है भैया जी, मम्मी के चुनाव की वजह से थोड़ी टेंशन से है। ए तू अपनी नौकरी पे ध्यान दे, चुनाव पुनाव हम अपने आप देख लेंगे, हमने सब सिस्टम बैठा दिया, ठीक है। ले भाई ले बेटा ले जाना, तू भी खा ले रहा कुछ। अरे नू बताओ हमारी कोई चुगली तो ना करे गांव में, क्यों करेंगे मेरी चुगली, और वोट मिलेंगे ना मिलेंगे, सारे सारी वोट आपको ही मिलेगी जी, रामकली जीत ना जा, नहीं ईंट से ईंट बच जाएगी, सारी वोट आपकी है, देख जा रहे हैं। हाँ भाई मैं चुनाव तक यही हूँ, अगर किसी भी तरह कोई गड़बड़ हुई ना, प्रधानी प्रधानी की डाल लड़िए, वरना तो जाना है मुझे। ओए राजेंद्र ये धमका धमकी ठीक ना होती, रहने दे चुनाव का ना सोचे राजेंद्र, आप लड़ाई करते फिर रहे। हाँ लड़ाई यू काम है क्या मेरा, जाऊंगे भगवान की अच्छी नजर होगी। यार यू बदमाश बुला लिया रामकली ने, कुछ इसका इलाज कर भाई, इसका भी इलाज हो जाएगा, हम ही के कम अंगेज थे, अरे चुनाव का मामला नहीं है करे, उसकी बुराई करे करे उसकी करे करे। हाँ वोट मांगो चलो चलो। अरे राहुल भाई क्यों नाराज चल रहा है, राहुल ही प्रधानी का पर्चा तेरे भरोसे भरा मैंने, और वोट मुझे ही दिए तू। भाई चमनलाल वोट जुम्मा तो जी ठीक है, पर इस बात का थोड़ा सा उल्लहारा ठीक, मतलब निरोल जी ना करियो ध्यान से रखे तू, हाँ माहौल सारा ठीक बन रहा। देख जो प्रधानी मैं चला दूंगा वो जनानी ना चलावे, मेरे राज्य में मौज रहेगी थारी। हाँ या भी सही कहे तू, पेटी खुलवा दूंगा पेटी, और 10 बीघा बिके तो बिक जाओ, कोई ठीक है चुनाव जीतता का घबरा में ना तू, ठीक है ठीक है, सारी डाल की मौत हो चुकी, बट ठीक है भाई ठीक है, बढ़ाओ माहौल बढ़ाओ। अरे राहुल भाई के डब है राजन मोल, ठीक है भाई। अरे भाई वो चमन भी लेता, तूने बता तेरे घर भी आया था क्या, वो चमन आया था मेरे दुरे भी तो गया, वो क्या कहता तो एक बात बताऊंगा मैं, राम के लिए भी पर्चा भर रही, हाँ। चमन भी पर्चा भर गया, राम के लिए तो कुछ देनी खान पीन की, चमन तो नहीं कह रहा 10 बीघे बिक जी और ठाट कर तू माँ। अरे तेरा कह रहा है, अरे मैं तो उसकी यहाँ भर ली चमन लाल की, तू तो राम के लिए डब था। अरे जिंग गया बोतल हूँ गया हम, या सही कह दी भाई, और एक नंबर की बात है। हाँ अरे अनमोल क्यों किसी की बुराई ली, हमारी तो सब एक है। सही कह रहा भाई, ठीक है ठीक है, तो बा मैं भी तेरी कह ली हूँ, हम भी चमन की देंगे, बोले थोड़ा फर्क। राहुल बेटा ध्यान सा राखिए, तुम मेरा ध्यान रखोगे मैं थारा ध्यान रखूंगी। माता जी घना बढ़िया माहौल बन रहा, बिल्कुल काम होया पड़ा, पर मैं तुम एक बात हूँ, थोड़ी शिकायत सी मिल रही थारी। के शिकायत मिल रही भाई, शिकायत यहाँ मिल रही चमन लाल खर्चा कर रहा घना, खर्चा नहीं कर रहे तुम भाई। खर्चा पहले तो देखो मेरे द्वारा है नहीं, पर जब जीत जाऊंगे जैसे तुम कहोगे वैसे ही हो जाएगी। भाई देखो दारू का तो खर्चा करे नहीं जाएगा, और जो खर्चा कहोगे वो जरूर होगा, पर होगा चुनाव जीतने के बाद। देख भाई वोट तो देनी पड़ेगी, वोट दी है ठीक है भाई दे देंगे।
ठीक है बेटा, ध्यान रखियो। ठीक है माता जी। रही राम कली के करके मानेगी, अरे बदमाश बुला रखे हैं। राम में पूरा खोप चल रहा भैया, यू नाल से लड़न दे मुझे। राम कली चलो लिल्लू कही है कि कोई ले लड्डू। थारी दुआ से जीतती हूँ प्रधानी। अच्छी बात है, अब तक तो हमने तुम्हारा साथ दिया, तुम हमारा साथ दियो आगे। हाँ हाँ, बेफिकर बेचिंता बस तो। हाँ हाँ, थरे भागती हुई जीत। अच्छी तुमने अंगा लगा जीत गए। राम राम जी। अम्मा राम राम। होगी थरी जीत। जीत गई प्रधानी के इसमें मैं। ठीक है अम्मा, करो मीठा मुँह, थारी दुआ से जीतती हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, अरे जो भी कुछ काम हो बता दियो, सब होंगे। ले भाई लड्डू, ले लड्डू खा। जीत गई मैं प्रधानी में। ठीक है, और जो भी काम हो बेफिक्र होगा बता दियो। हाँ, कर ले मीठा मुँह। घना लाया बहराम है तो सारा माहौली बनाया। देखो प्रधान जी, एक बात बतावे, चमन लाल का बहुत हंगा लगा मेरे ऊपर, पर हम टूटे। बताओ कीड़े खाने की छूट रखी चमन लाल ने मेरी, पर हम टूटे नहीं। मेरे दिमाग में बात थी मका जो राम के लिए प्रधान बनेगी, अब गांव का सुधार हो जाएगा, अगर अक्टूबर का सुधार हो जाएगा, हम उसके बकाए में बिल्कुल नहीं आके वोट बड़े दिन खरी वोट नहीं हुआ भाई। नहीं बिल्कुल, मेरे तो रिश्तेदारों की भी दाब गिरवाई, पर हम ना ले बिल्कुल भी। हाँ। हमें तो थारी देनी थी वोट। राहुल बेटा, तू उस दिन कह रहा था ना दावत को, मैं अब दावत करूंगी और जी खोल के पैसा लगाऊंगी, तो खूब दावत खाइए और अपने यार दोस्त इनको भी बुलाइए। ठीक है प्रधान जी। ठीक है, सारे आओगे, मेरी सही पार्टी आओगी दावत में। ठीक है जी, राम राम। आज भी बेबी करो। अरे चल, अंदर क्यों परेशान हो रहा? अरे भाई मैं बर्बाद हो गया, मेरी अंदर जाने को हिम्मत ना पड़ रही। अंदर तो जाना ही पड़ेगा। अरे भाई मैं क्या करूं, मेरा गला घिर गया सारा। चल जमीन बिकली। अरे चमन खड़ा हो जा, नुकसान तो लगे रहे। अरे अगली 5 साल पीछे फिर चुनाव है, फिर देखेंगे। खड़ा हो शिवराज, तू जा, मैं बर्बाद हो लिया भाई।